नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। बुलेटिन में बात होगी औरंगाबाद की, जहां 13 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में हुआ कैद। साथ ही बात होगी हापुड़ की, जहां पेयजल आपूर्ति में उत्पन्न हुई बाधा से गुस्साए लोगों ने ट्यूबवेल ऑपरेटर का किया घेराव। और बताएंगे कैसे संत कबीर नगर में सामाजिक तत्वों के बल पर तालाब में मिट्टी डालकर पाटने का काम किया जा रहा है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। काराकाट लोकसभा के सातवें अंतिम चरण में आज मतदाताओं द्वारा वोटिंग की जा रही है। सभी 13 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में आज बटन दबाकर जनता कैद करेगी। 4 जून को उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। इसी क्रम में आज भोजपुरी अभिनेता सिंगर काराकाट से निर्दलीय प्रत्याशी पवन सिंह ने वोटिंग से पहले माँ तारा चंडी मंदिर में पूजा की, अर्चना मांगी, जीत का आशीर्वाद और लोगों से अपील की कि वो उन्हें आशीर्वाद दें, बढ़ चढ़कर मतदान करें। हम ही कहब कि अपन कीमती समय अपन कीमती वोट जरूर करे के बा और अपने भाई अपने बेटा के आप सब आशीर्वाद दीजा। हम ये कहब आपके प्रतिद्वंदी उपेंद्र कुशवाहा और राजा राम सिंह है, दोनों निर्दलीय पार्टी से हैं, आप निर्दल हैं, कितना आपको अस्वस्थ है? तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है सर। जनता के आशीर्वाद जो लड़का पे होके, इससे बड़ी बात कुछ हो ही नहीं सकती है। ये मेरा सौभाग्य है। जय पवन तय पवन, ये बहुत चल रहा है, क्या लग रहा है पवन तय? अभी हम अपने मुंह ना कहब, ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। देखिए क्या है, जनता ही भगवान है, जनता ही मेरे लिए सब कुछ है, जनता ही हमको गायक बनाए, नायक बनाए। ये जीवन की तीसरी पारी खेल रहा हूँ, जितना आशीर्वाद हमको मिल रहा है, मैं अपने जनता के आशीर्वाद के आगे निशब्द हूँ। मैंने बोला ना सर कि हम अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे, हम सब एक परिवार हैं, हम सब मिल के अपना विकास तय करेंगे, हम सब मिल के अपना भविष्य सोचेंगे। और मेरे दिल में अरमान है, ये जो मैं जितना भ्रमण किया, जितना मैं घूमा काराकाट लोकसभा में, जितना हम घूमनी है, माई बहन से मिलनी है, भैया चाचा से मिलनी है, अपने नौजवान साथियों से मिला, जो देख रहा हूँ सूखा सूखा बंजर बंजर, तो मेरे दिल में अरमान है सर कि थोड़ा काराकाट लोकसभा में जिधर आंख घुमाइए उधर हरियाणा। औरंगाबाद से सी न्यूज संवाददाता रमाकांत की रिपोर्ट। हापुड़ के आवास विकास संजय विहार मेरठ रोड कॉलोनी में पेयजल आपूर्ति में उत्पन्न हुई बाधा में गुस्साए लोग शनिवार को नगर पालिका हापुड़ के ट्यूबवेल ऑपरेटर का घेराव करते हुए खूब खरी खोटी सुनाई। आरोप लगाया कि ऑपरेटर की लापरवाही का खामियाजा कॉलोनी वासियों को भुगतना पड़ता है। कारण, कई दिनों से पानी की समस्या से कॉलोनी वासी परेशान हैं। गृहिणी ममता शर्मा, दिनेश ठाकुर, रोहित आदि ने क्या कुछ बताया है, आइए सुनवाते हैं। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड अंतर्गत शिवपुर के ग्रामीणों ने पूछ संख्या 265 पर दुर्गावती नदी में पुल निर्माण की मांग को लेकर वोट बहिष्कार किया। ग्रामीणों ने कहा कि क्षेत्र में लंबे समय से हम लोग पुल निर्माण को लेकर जनप्रतिनिधियों से मांग कर रहे हैं, आज तक केवल आश्वासन मिला है, जिससे अजीज होकर सामूहिक रूप से ग्रामीणों द्वारा वोट बहिष्कार का निर्णय लिया गया। कैमूर रोहतास दो जिलों की जोड़ता है। ग्रामीण अभिषेक पाठक ने कहा कि बरसात के वक्त अगर मेरे गाँव में किसी व्यक्ति की तबीयत खराब हो जाए तो 8 किलोमीटर की दूरी तय कर तेलारी बाजार जाना पड़ता है। इस संबंध में 2021 में भी वरीय पदाधिकारी और मंत्री विधायक को आवेदन दिया गया, लेकिन कोई विचार नहीं किया गया है। वहीं आश्वासन देने के लिए पुलिस अधीक्षक कैमूर ललित मोहन शर्मा के द्वारा ग्रामीणों को समझाया गया। साथ ही जिला निर्वाचन पदाधिकारी कैमूर सावन कुमार ने भी लोगों को समझाया, जिसके बाद दोपहर के बाद मतदान चालू हुआ। मौके पर विजय चौधरी, नंदू चौधरी, अनु सिंह, सुनील सिंह, चंदन पाठक, विनोद पाल, दिलीप पासवान, महेंद्र चौधरी, गुप्त चौधरी, सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। कौन गाँव है? शिवपुर। यहाँ सुने में आयल है कि वोट के रुआ सब बहिष्कार के लड़नी है, जा पुल खातिर के है। तो कैसे फिर तोड़ देनी है जा हड़ताल? डीएम साहब आए रहे हैं, तो का आश्वासन देनी है? माने हो गई, कल हम बनवावे के 6 तारीख हम आएंगे तो वहाँ पर। अच्छा, चले राउर का नाम बाबा तो अब खुश बनी जा ना पूरा हो गए। डीएम साहब बोल रहे तो जरूर पूरा हुई। अच्छा, ये बताए कि राउर का नाम पड़ी?
बिंदा जी मैडम, आप यहाँ कहाँ पहुँची हुई हैं? ये रामपुर ब्लॉक के कुड़ारी पंचायत के शिवपुर गांव में हम आए हैं, बूथ नंबर 265। अच्छा, यहाँ क्या समस्या था? सुबह से लोग वोट बहिष्कार किए थे क्योंकि यहाँ पुल की मुद्दा इन लोगों के बहुत दिनों से है और पुल का मांग ये लोग करते आ रहे हैं। हम लोग प्रयास में है कि इनका पुल बने और डीएम साहब को हम लोग बोल के भेजे, हम फोन किए प्रत्याशी सुरेश राम जी को, हम फोन किए और डीएम साहब को बोल के यहाँ भेजे और डीएम साहब आके इन लोगों को आश्वस्त किए और ये लोग आश्वस्त होकर अपना वोट मारना अब चालू करें। कितने बजे से शुरू हुआ वोट? 2:30 बजे यहाँ वोट शुरू हो गया। 2:30 बजे से शुरू हुआ, धन्यवाद। जनता के बहुत बहुत धन्यवाद है, लोग खाने के बाद ये लोग प्रतिष्ठा रखे। कैमूर से सीनियर संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। खबर सहारनपुर से है, नगर आयुक्त संजय चौहान ने पावनदोई नदी क्षेत्र के अतिक्रमण कर अवैध रूप से बनाए गए मकानों को नोटिस देकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने नदी सीमा में अवैध निर्माण के प्रति लोगों को सचेत करने के लिए सिंचाई विभाग को बोर्ड लगाने के लिए कहा। उद्यम शंकलापुरी में ढमोला तक पावनदोई नदी का निरीक्षण किया। नदी की सफाई, तटों को संरक्षित करने के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। नगर आयुक्त ने पावनदोई पर बनाए जा रहे दोनों पुलों, ढमोला नदी पर बनाए जा रहे नए पुल, भूतेश्वर रोड पर नाला सफाई तथा राकेश सिनेमा निकट नदी सफाई का निरीक्षण किया। बाबा लालदास बाड़ा घाट का निरीक्षण करते हुए उन्होंने बाबा लालदास घाट क्षेत्र को और अधिक विकसित करने तथा घाट क्षेत्र में साफ सफाई के उपरांत वोट चलवाने का सुझाव दिया। नगर आयुक्त सीओ स्मार्ट सिटी संजय चौहान ने विरासत कॉरिडोर को और अधिक विकसित करने पर जोर दिया। उन्होंने स्मार्ट सिटी अधिकारियों को बाबा लालदास बाड़ा आश्रम के प्रवेश द्वारों, फुलवारी आश्रम और हाजी शाह कमाल आदि ऐतिहासिक स्थलों को विक्टोरिया लाइटें, फजार लाइटें लगाकर उनका सौंदर्यीकरण संरक्षित करने के निर्देश दिए। सहारनपुर से सीनियर संवाददाता सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। खबर संत कबीर नगर से, आमौली थाना क्षेत्र के नगर पंचायत हरिहरपुर में व्यक्तिगत तालाब को कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जबरिया पाट कर बराबर करने का मामला प्रकाश में आया। इसको लेकर दो पक्षों के बीच तनाव चल रहा है। राजस्व विभाग ने समय रहते ठोस कदम नहीं उठाया तो बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इसकी शिकायत पीड़ित ने मौली पुलिस के अलावा डीएम संत कबीर नगर को देखकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित ने डीएम से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। इस मामले में पंचायत के अधिशासी अधिकारी अविनाश यादव के मोबाइल नंबर पर कई बार संपर्क किया गया, स्विच ऑफ होने की वजह से बात ना हो पाई। संत कबीर नगर से सीनियर संवाददाता रमेश चंद्र शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।